मैं अपना दल कमेरा के सभी नेता कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। उन्होंने जो संघर्ष का रास्ता अपनाया, जो कभी सपना देखा था सोनेलाल पटेल जी ने, उस सपने को पूरा करने के लिए अपना दल कमेरा के नेता कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं। मैं उन्हें आज स्थापना दिवस के दिन बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जाति जनगणना का जो सवाल है, या सबको साथ लेकर के चल करके सबको अधिकार मिले, उसमें ये सब लोग कामयाब हों। अभी मैं जब आ ही रहा था आप लोगों से बातचीत करने के लिए, एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि मच्छर हैं, काट रहे हैं, जल्दी आप अपनी बाइट दे दीजिए। सोचिए आप, बीजेपी का सपना क्या है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। जो लोग सपना देख रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जो सपना देख रहे हो जापान से इन्वेस्टमेंट लाने का, जो सपने दिखा रहे हो कि दुनिया के दूसरे देशों का इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे यहाँ, सोचो मच्छरों की वजह से जो बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है उन्हें, उनके इलाज दवाई का इंतजाम ही सरकार नहीं कर पा रही है। मैं सहारनपुर था, मुझे जानकारी मिली है कि कई गांव में 20-20, 25-25 लोगों की जान चली गई। वेस्टर्न यूपी हो, सेंट्रल यूपी हो, या हमारा पूर्वांचल का हिस्सा, बड़े पैमाने पर इस बीमारी से, डेंगू जैसे बुखार से लोगों की जान गई है, लेकिन सरकार सो रही है। घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, सरकार सो रही है। इनका जीरो टॉलरेंस अपराधियों के लिए है, इनका जीरो टॉलरेंस इनके बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए जो कानून तोड़ रहे हैं। जब जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर के वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, उस समय उत्तर प्रदेश में घटना हुई है। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय में बांदा जैसे जगह पर एक महिला के साथ क्या घटना हुई है? उसके साथ जो व्यवहार हुआ, दुराचार हुआ, उसके बाद उसके शरीर काट दिया गया हो। कानपुर में तमाम लोग न्याय के लिए घूम रहे, न्याय नहीं मिल रहा वहां पर। ये बीजेपी की सरकार है, आखिरकार कब तक ये अन्याय करेंगे? जहां महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस सरकार में अन्याय भी चरम सीमा पर पहुंचा है। कोई नया प्यार नहीं है, मुझे खुशी है इस बात की कि अपना दल कमेरा ने डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के उनको हराया। ये एक छोटी मामूली उपलब्धि है, एक डिप्टी सीएम को हरा दिया, और भविष्य में आप इनकी ताकत देखेंगे। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो घबराहट में हैं, क्योंकि बीजेपी जाने वाली है। जो लोग 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे। आज कास्ट सेंसस पे क्या बोल रहे हैं ये लोग, आउटसोर्सिंग पे क्या बोल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पे क्या बोल रहे हैं? क्या तीनों सवालों का बीजेपी के पास जवाब है क्या कोई? कल मध्यप्रदेश में आपने कांग्रेस को लेकर बयान दिया था, लगातार लग रहा है। नहीं नहीं, जो परिवार चाहेगा मैं परिवार के साथ हूँ। अगर परिवार के लोग कुछ इस तरह की बात करेंगे तो मैं उनके परिवार के साथ हूँ। दिल्ली में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की बैठक हुई है कि अच्छा हुआ अभी पता चल गई इनकी असली बात है, पता चल तो दिक्कत हो जाए। नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं कहा मैंने, ये कहा कि अच्छा हुआ मुझे अभी पता लग गया, अगर बाद में पता लगता तो हम कहीं के ना रहते। दिल्ली में बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की बैठक हो रही है, वो भी ओबीसी और पीडीए का जो फार्मूला है उसको कह रहे हैं विरोध नहीं कर रहे हैं, जातीय जनगणना हम कराएंगे। देखिए वो अपनी मीटिंग में झूठ कुछ तय कर रहे थे, इसीलिए धरती कल कांपी थी। थैंक यू। देखिए न केवल कर्ज माफ करने की दिशा में काम करेंगे, बल्कि मंडी बेहतर हो और किसानों को उनकी पैदावार की सही कीमत मिले, MSP मिले, वो निश्चित समाजवादी लोग करेंगे। थैंक यू।